अस्सलामुअलैकुम। आज बंदे रेसिपी किचन में मैं आज आपके लिए माश की दाल यानी कि उड़द की दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और अच्छी होती है। इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसके लिए जो हमें कुछ सामान चाहिए गाइस, वो ये है। मैंने 100 ग्राम से लगभग 150 ग्राम ये एक कप मैंने दाल रखी है, ये माश की सफ़ेद दाल है। और इसको मैंने कम से कम एक घंटा पानी में धोकर वॉश करके अच्छे से भिगो दिया है, जो फूल के हो गई है अच्छी, क्योंकि ये गलने में आसानी हो जाती है। और ये कुछ मेरे मसाले हैं, ये मैंने एक दो लाल साबुत मिर्च काट रखी हैं, एक पीली मिर्च है और ये दो हरी मिर्च हैं, लहसुन है एक स्पून मैंने चॉप करके, और ये एक स्पून टीस्पून ये ज़ीरा है साबुत, एक बड़ी इलायची है, दो तीन काली मिर्च है और दो तीन लौंग है, और ये छोटा टुकड़ा मैंने अदरक का कटिंग करके बड़ा कर लिया है चॉप करके, और ये थोड़ा धनिया पत्ती है, और ये सॉल्ट है, ये तेल है ऑयल, और ये हींग है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने गाइस बर्तन रख दिया है, ये गर्म हो चुका है। इसके लिए मैंने दो टी भर के दो चम्मच अभी मैंने इसमें ऑयल लिया है, क्योंकि हम इसको बाद में भी ऊपर से भंगारेंगे। धनिया पत्ती, ये देखिए ये मेरा लहसुन है चॉप करा काटिंग करा था मैंने, ये मेरे कुछ खड़े गले मसाले हैं, जीरा, लौंग, काली मिर्च और एक बड़ी इलायची, और ये मेरे लाल साबुत मिर्च है, ये मैंने दो ली हैं और एक पीली मिर्च है। अगर आप इसमें इसको ये वाली मिर्च नहीं डालना चाहें तो आप लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। हमें इसको ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो इसका कलर काला पड़ जाएगा। बस थोड़ा सा मीडियम किलो हीट पर इसको अच्छे से इसका अरोमा आ जाए, जो हमने मैंने सब इसमें ये डाले हैं मसाले। अब उसके बाद गाइस अब ये मैंने दाल अपनी डाली है भीगी हुई, ये दाल बहुत अच्छी और टेस्टी होती है और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होती है। गाइस आप अपने किचन में इसको ज़रूर ट्राई करना मेरी इस रेसिपी को। अभी मुझे इसको अच्छे से मिक्स करना है ऑयल में, जो मैंने मसाले डाले हैं अच्छे से हो जाए। इस गाइस इस कप के हिसाब से ये मेरा 1.5 कप पानी है, क्योंकि मेरी दाल ऑलरेडी भीगी हुई है। ये कम से कम हमें इतना पानी डालना है, क्योंकि ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि ये जो है ख़राब हो जाती है। दाल से थोड़ा सा ऊपर पानी रहना चाहिए और आप अपने अंदाज से। अब मुझे इसमें ये हरी मिर्च डाल देना है, अदरक बाद में डालेंगे, और ये धनिया पत्ती, और ये सॉल्ट डालना है, दो तीन अदरक के अभी थोड़े से मैंने जूलियन डाले दे रही हूँ, फिर बाद में डालूंगी ऊपर से गार्निश के लिए। राइट, अब मुझे इसको कम से कम 20 मिनट पकाना है, 15-20 मिनट पकाना है, फिर उसके बाद मुझे आपको फिर आपको दिखाना है। ये अभी हम इसको ढक के रख देते 15 मिनट, क्योंकि हमारी ऑलरेडी दाल भीगी हुई है, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमें थोड़ी गैस ज़्यादा स्लो भी नहीं और ज़्यादा तेज़ भी नहीं आँच हमें करना है, बस मीडियम आँच पे करना है, क्योंकि हम ज़्यादा तेज़ करेंगे तो दाल जल जाएगी और स्लो करेंगे तो दाल सही से नहीं बनेगी। उसके बाद हमने आपको 15-20 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगी। हमारी ये 20 मिनट हो गए, देखिए हम इसका तड़का लगाएंगे। ये हमने बर्तन रख रखा है, अब इसमें हमें थोड़ा सा ऑयल जितना आपको डालना, मैंने 2 स्पून के बराबर, तो ये मैंने आपको बताना भूल गई थी, आधा कटा मैंने प्याज डाला है,
ये मेरा ऑयल गरम है क्योंकि मेरा ये बर्तन गरम था। उसके बाद मुझे ये कड़ी पत्ता डालना है और ये थोड़ी सी हींग जो मैंने आपको दिखाई थी, ये प्याज के तड़का इसका बहुत अच्छा, लहसुन मैंने बनाते टाइम डाला था और ये इसके ऊपर से प्याज का तड़का। अगर आप चाहें तो लहसुन और प्याज को दोनों को साथ में डाल सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। अगर आपको नहीं इसका प्याज खाना है और तड़का इसका प्याज का नहीं लगाना है तो आप कड़ी पत्ते का और जीरे का लगा लें, इससे भी इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। कुछ लोग इस दाल में टमाटर भी डाल देते हैं लेकिन आप बिना टमाटर के बनाना चाहेंगे तो उससे और भी टेस्टी बनती है। देखिए ये अब हमारी प्याज हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन होने लगी है, ये देखिए। हमें इसको ज़्यादा जलाना नहीं है नहीं तो इसमें अपना काला रंग हो जाता है और दाल में फिर डल के ये तड़का फिर ख़राब लगता है। और इसमें जो मैंने ये कड़ी पत्ता डाला है इससे तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाता है क्योंकि कड़ी पत्ते में अपने अलग ही फ्लेवर होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा और फ़ायदेमंद है ये कड़ी पत्ता। आप अपने तड़के में ये ज़रूर कड़ी पत्ता डाला करें, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हमें थोड़ा मीडियम आंच पे रख देना, ये हमारा प्याज रंग बदलने वाली है। देखिए ये देखिए ये होने वाली है हमारी, अच्छे से हमें हल्के हल्के चलाते रहना है। देखिए ये हमारा प्याज होने वाला है अच्छे से बढ़िया सा, हल्का सा बादामी कलर आ जाने वाला है ये देखिए। और कड़ी पत्ता और भी ज़्यादा कड़क होने लगा है, देखिए इससे और भी ज़्यादा अरोमा आने आ जाएगा इसके अंदर। और इस पर अब मुझे अपना गैस बंद कर देना है, गैस की फ्लेम बंद कर देना है। अब मैं आपको इसको दाल पे डाल के दिखाऊंगी और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। गाइस मेरी ये दाल बनके तैयार है और मैंने इसको डिश आउट कर दिया और ये बहुत ही ज़्यादा दाल, ये टेस्टी यम्मी ये माश की दाल होती है। और मैंने इसे हरी मिर्च से और धनिया पत्ती से और अदरक के जूलियन से मैंने इसको गार्निश कर दिया। अगर आप चाहें तो धनिया पत्ती नहीं डालें लेकिन इससे थोड़ा सा इसका टेस्ट और स्वाद बढ़ जाता है। गाइस ये दाल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, आप अपने